Hi, this is Dr. Adnan Firoz. I'm a consultant orthopedic surgeon at Firoz Specialist Hospital, Aligarh. आज हमारे सामने पेशेंट हैं जो इनका नाम इकबाल है और इनका राइट लेफ्ट साइड में फुट ड्रॉप है, लेफ्ट साइड में फुट ड्रॉप है और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इनको ये प्रॉब्लम हुई और कितना टाइम हो गया इस सब चीज़ को। इकबाल, हिस्ट्री बताओ कि किस तरह से शुरू हुआ है सब कुछ। जी, मैं काम कर रहा था, 15 फीट हाइट से मेरा सेट गिर गया था तो मैं नीचे गिर गया था, तो इस कारण मेरी स्पाइन चली गई थी। इसमें मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन के बाद करीब 1.5 साल प्रोसीजर वर्कआउट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद मेरी रिकवरी हुई। उसके बाद मेरा फुट ड्रॉप रह गया जो रिकवर नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और आज मेरा ऑपरेशन हुआ। बेसिकली 2020 में इनका इंजरी हुई थी, ये करीब 15 फीट की हाइट से गिर गए थे, तो उस वक्त इनकी स्पाइन में इंजरी हो गई थी और उस इंजरी के वजह से जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स सब दब गई थी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब होती है तो बेसिकली पैरालिसिस हो जाता है, तो ये कहा जाता है जब पैरालिसिस हो जाती है तो ऑपरेशन 48 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा लेट कर लिया, बट ही वॉज लकी इनफ कि इनकी रिकवरी हो गई थी अच्छी खासी में, तो ये पूरा एरिया काम नहीं कर रहा था, यूरिन भी नहीं आ रहा था इनका और मतलब ये दोनों बायलैटरल लोअर लिम्स बिल्कुल कम्प्लीटली पैरालाइज हो गए थे। लकी इनफ के ऑपरेशन जब एक हफ्ते बाद हो गया था इनका स्पाइन का, तो रिकवरी अच्छी खासी हो गई थी। कितना टाइम लगा रिकवरी होने में मेरे पूरा 1.5 से 2 साल, तो 1-2 साल इनको लगे होते होते ये जिसने भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के मैंने मेहनत की। हाँ नहीं, अच्छा है, मेहनत कर लिया और बहुत लकी हो बल्कि रिकवरी हो गई। बहुत से पेशेंट्स में स्पाइन इंजरी में मैंने देखा है खुद कि रिकवरी इतनी आसानी से होती नहीं है एक बार पैरालिसिस हो जाए, तो इट्स गुड इनफ कि आपकी रिकवरी हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इनका बाकी तो रिकवर हो गया था लेकिन लेफ्ट साइड का फुट ड्रॉप जो है वो रिकवर नहीं हो पाया है, तो इस फुट ड्रॉप को अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं और ये अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। तो आज ये कहाँ से आए, वो जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश से आए और इनका फुट ड्रॉप सर्जरी आज हम करेंगे। एक बार फुट दिखा दो, तो आप देख रहे हैं ये पैर को घुटने को ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लेक्स कर रहे हैं। चल के दिखाना फिर से। तो जैसे फुट ड्रॉप के जो क्लासिकल पेशेंट्स होते हैं वो अपना घुटने को पूरा फ्लेक्स करते हैं ऊपर, क्योंकि उनका पैर फ्लेक्स नहीं हो पाता है, तो ये पूरा घुटना ऊपर जा रहा है। और अगर पैर लटकाओ पैर ऐसे, हाँ आप देख रहे हैं ये पैर पंजा बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा। कोशिश करो एक बार, बिल्कुल भी, एक क्लासिकल फुट ड्रॉप है, इसमें बिल्कुल पावर नहीं, बिल्कुल जान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो फुट ड्रॉप जो हम टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करते हैं ये सक्सेस रेट इनका ज़्यादा होता है जब पैर पेशेंट पंजे में खड़ा हो सकता है। पंजे में खड़े होकर दिखाओ एडी ऊपर करके, ये देखिए राइट साइड, यहाँ थोड़ा सा ना एक बार साइड मूवमेंट दिखाना, नहीं साइड एक बार, हाँ अब दिखाना एडी ऊपर करो, ये मूवमेंट इस सर्जरी को सक्सेसफुल कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनके डाउनवर्ड मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं और जो पेशेंट्स ये मूवमेंट कर पाते हैं उनमें सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। यार लेटना एक मिनट, सर्जरी का प्रोसीजर जो हम करने वाले हैं वो मैं यूजली अपने पेशेंट में समझा भी देता हूँ। तो हम लोग यहाँ का टेंडन जो है यहाँ से लेंगे टेंडन को जो टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन है और इसको यहाँ से टनल बना के हम लोग यूजली यहाँ से पुल आउट कर लेते हैं और यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ एक टनल बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं इसको। मैं यूजली कुछ पेशेंट में यहाँ से बटन लगाता हूँ कि थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट हो जाए, इनके मैं थोड़ा सा और एडिड स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मैं एक बटन जो है अंदर की तरफ लगाऊंगा कि ये बाहर बटन लगाने की ज़रूरत ना पड़े और ये और भी मजबूत हो जाएगा। आपने जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं सर्जरी के, सब पेशेंट्स में यहाँ बटन बाहर की तरफ होता है, इनके में मैं बटन जो है अंदर की तरफ लगाऊंगा, इनसाइड द स्किन। तो जैसे इस तरफ चलाना, यहाँ बटन कुछ नहीं होने वाला है, मैं अंदर की तरफ लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा परमानेंट मजबूती हो जाएगी और पैर मेरे ख्याल से नीचे जाएगा ही नहीं, उससे ये हमेशा ऐसे ही रहेगा
मूवमेंट इनका पूरा होगा सर्जरी के बाद, और उस बटन की वजह से थोड़ा और स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। जो सूचर की मटेरियल है वो भी हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करने वाले हैं इसमें। मैं यूजली एजोबॉन्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें मैं फाइबर टेप यूज़ करने वाला हूँ। फाइबर टेप का जो मटेरियल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो मटेरियल जो होता है, ये जितने भी स्क्रूज यूज़ करते हैं, मैं वॉज कॉस्टिंग अराउंड 18,000 रुपीज़, लेकिन जो इनमें मैं यूज़ करूँगा ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन वैरायटी है। इसमें डिस्क अंदर से यूज़ करूँगा, फाइबर टेप जो बहुत मजबूत, सबसे मजबूत सूचर जो होता है फाइबर टेप होता है, तो वो भी यूज़ करने वाले। तो उसमें 18,000 प्लस 5 प्लस 4 5,000 एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उससे लेकिन मजबूती बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, एक बार इसमें थोड़ा सा मैं डबल चीज़ें करने वाला हूँ, तो उससे थोड़ा तुम्हारा फ़ायदा होगा। मैं तो ये है, और होपफुली आज हम सर्जरी पोस्ट करने वाले हैं, 3 बजे ऑपरेट करेंगे। सो आफ्टर द सर्जरी हम लोग रिजल्ट देखेंगे और आपको एक वीडियो बनाएंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच।